चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और राज्य और जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और ईवीएम के लिए जो मुख्य मतगणना होनी है उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ईसीआई के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार एआरओ लेवल पर, आरओ लेवल पर, डीओ लेवल पर, सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए दी जा रही है, जैसे कि ईटीबीपीएस काउंटिंग को लेकर के पृथक से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं और जो मेन काउंटिंग होगी ईवीएम की उसके लिए भी अलग से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं।